नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आजकल सबसे ज्यादा अगर देश और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की है। महुआ मोइत्रा पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज उन्हें एथिक्स संसद की जो एथिक्स कमेटी उसके मामले की जो जांच कर रही थी, उन्होंने आज महुआ मोइत्रा की रिपोर्ट पटल पर रख दी। इसके बाद महुआ मोइत्रा को सांसदी से बर्खास्त कर दिया गया। ये देश का बड़ा चौंकाने वाला मामला है और इस मामले के बाद जो देश की पार्लियामेंट है, जो सर्वोच्च कहा जाए कि एक जो राजनीति का जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसके लेकर पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है और जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुत शक के घेरे में है, बड़ी सारी बातें हैं। किस तरीके से एक सांसद मात्र कुछ चीजों को लेकर, कुछ पैसों को लेकर, चंद पैसों को लेकर बिक जाती हैं और वो अपना जो जिसे कहा जाता है जो एक सांसद लॉग इन फ्रेडेंशियल, संसद लॉग इन फ्रेडेंशियल जो कोड होता है, उसको वो पैसा लेकर एक रियल इस्टेट कारोबारी को दे देती हैं। और इस रियल इस्टेट कारोबारी के अलावा भी बताया जाता है कि कई अन्य लोगों पर भी ये कोड दिया गया, जिस कोड से संसद का वो पोर्टल खुलता है जो सभी सांसदों को दिया जाता है और उन्हीं उसी कोड के जरिए संसद का वो पोर्टल खुलता है जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे पार्लियामेंट के जो कार्य हैं उनसे संबंधित, अगले दिन जो चर्चा है, जो बिल्स हैं, ये सारे उस पर अपलोड होते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं और अगले दिन की कार्यवाही के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कोड होता है और ये इसे बहुत सीक्रेट कोड भी कहा जाता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। लेकिन महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर, बहुत मोटे मोटे गिफ्ट लेकर, पैसे लेकर, जिसे अब हमारे यहाँ कैश फॉर क्वेरी का नाम दिया जा रहा है, उसमें पैसे लेकर इस कोड को उन्होंने अपने एक बड़े रियल इस्टेट कारोबारी जिनका नाम है दर्शन हीरानंदानी, उनको दे दिया। इसके अलावा और कईयों को दिया। इसके बाद बताया जाता है कि इस कोड से दुबई से 47 बार और 6 अन्य देशों से 63 बार अन्य देशों से ये कोड खोला गया, अन्य देशों से, दुबई के अलावा भी कई देशों से। तो ऐसा कौन सा शख्स था जब महुआ मोइत्रा इंडिया में थी और बाहर कोई बार बार उस पार्लियामेंट के इस पोर्टल को खोल कर देख रहा था? तो एक बड़ी बात है, ये सारी चीजें जब आई इसमें जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, इन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत संसद से की थी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस पैसे लेकर जो इस हाल ही में जितने सवाल पूछे गए, करीब 61 सवाल पूछे गए जो हीरा नंदानी यानी के इस रियल इस्टेट कारोबारी से पैसा लेकर उनके कहने पर संसद के अंदर महुआ मोइत्रा ने ये सवाल पूछे थे, ये एक बड़ी बात है। अब ये पूरा मामला आखिर हुआ कैसे, ये इनके एक दोस्त है महुआ मोइत्रा के, जय अनंत, जो कि एडवोकेट है, मशहूर वकील बताए जाते हैं, इनसे इनका एक कुत्ते की जो एक अच्छी विदेशी ब्रीड के एक कुत्ते को लेकर, कुत्ते के अधिकार को लेकर इनकी आपस में कोई अनबन हो गई थी। इसके बाद उन्होंने निशिकांत दुबे को इस बात की शिकायत की थी और उन्होंने ये शिकायत पब्लिक डोमेन में भी लाई गई कि इस तरीके से महुआ मोइत्रा पैसे लेकर और महंगे महंगे गिफ्ट लेकर ये दूसरे लोगों के बताए हुए सवालों को संसद में उठाती हैं। तो इसके बाद जब ये सारा मामला खुला तो इसकी जद में जो सबसे बड़ा नाम था महुआ मोइत्रा के बाद, वो थे दर्शन हीरानंदानी। जब इतना बड़ा मामला हो गया तो जरूर हमारे व्यूवर्स, हम मुझे देखने वाले, ये जरूर जानना चाहेंगे कि दर्शन हीरानंदानी आखिर है कौन, ये कौन शख्स है जो महुआ मोइत्रा यानी कि एक सांसद जो हमारे यहाँ बड़ा सर्वोच्च पद माना जाता है, एक सांसद को भी पैसे दे रहा है और सांसद
सवाल पूछती है पार्लियामेंट के अंदर, इसका एक बड़ा कनेक्शन है। ये दर्शन हीरा नंदानी असल में एक रियल एस्टेट कारोबारी है जो देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं, यानी के सीए हैं, सीओ हैं, सीईओ हैं, हीरा नंदानी ग्रुप के ये सीईओ हैं। और ये निरंजन दास हीरा नंदानी के बेटे हैं। आप समझिए कितने बड़े कारोबारी के बेटे हैं ये। और ये जो इनकी रियल एस्टेट कंपनी है, आईटी पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, जो कि पूरे देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इनके आज के टाइम में चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, ये पूरा बड़ा बड़ा एम्पायर एक संभालते हैं इन्होंने। अब ये अमेरिका से, दर्शन हीरा नंदानी अमेरिका के न्यूयॉर्क से रोस्टफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीएफ और एमबीए की डिग्री हासिल करके, पढ़ाई करके आए हैं। और इन्होंने, इनका जो संबंध था वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से था। इन्होंने उससे सवाल पूछने के एवज में बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, इनके होटलों के बिल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिस वजह से ये पूरा मामला उठा। लेकिन इसका अंत बहुत ज्यादा बुरा भी हुआ, क्योंकि एक सांसद को अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। ये एक बड़ा मामला है। और सभी देश के अंदर जो इस तरीके के काम करते हैं, जो इतने बड़े उच्च पदों पे बैठे लोग हैं, उनके लिए ये एक बड़ी चेतावनी भी था। तो हमने आपको ये बताया कि दर्शन हीरा नंदानी असल में है कौन, और उनका महुआ मोइत्रा से क्या संबंध था। महुआ मोइत्रा के संबंधों का अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन महुआ मोइत्रा उनसे लगातार बहुत मोटी मोटी रकम वसूला करती थी, उनसे बहुत पैसे लेती थी, और बदले में उन्हें जो हीरा नंदानी की तरफ से जो उन्हें सवाल दिए जाते थे, क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते थे, उन्हें वो पार्लियामेंट के अंदर उठाया करती थी। इस वजह से महुआ मोइत्रा अब नप गई हैं और अब वो सांसद नहीं रही हैं। हमारे यहाँ एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि इस तरीके के गंभीर मामलों में एफआईआर अगर होती है तो सांसदी जाने के बाद जो संबंधित व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसको जेल भी जाना पड़ता है। जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं महुआ मोइत्रा। अब उनके पास क्या विकल्प बचा है? उनके पास विकल्प बचा है कि वो हाई कोर्ट अपने जो नागरिकता के, जो उनका जो उनकी एक फंडामेंटल राइट्स है, उसके तहत अब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जो आज पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर, उसमें ये अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई के खिलाफ जा सकती हैं, वहां पर अपील कर सकती हैं। और आगे अभी मामला चलेगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन कुल मिलाके ये सभी सांसद और इस तरीके के जो बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, उनके लिए एक सबक, एक नज़ीर भी साबित होने वाला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।